क्यों होम मिनिस्टर को नहीं पूछे कुरान मजीद कहां है साहब, जानिमाज कहां है, और मैं आया सोते को दो रकात नमाज पढ़ लेकर जाता हूं, मेरे को दो रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दो वहां पे जाके, क्योंकि आपने क्यों सवाल नहीं किया। नहीं करते, वीडियोस में कहने वाली बातें अलग, लेकिन अमली तौर पर आपकी जबान को लखवा मारा होम मिनिस्टर के पास जाके आपने पूछे। मैं आज मैं देख रहा हूं कि सुबह से जो है फेसबुक पे और कई पोस्टर्स पे रियल वॉरियर्स ऑफ सेक्रेटेरिएट मसाजिद बोल के दो चार लोगों के नाम जो है फोटोज के साथ चला रहे हैं। खैर, अल्लाह मुबारक करे तमाम लोगों को मस्जिद की बाजियाबी के लिए, तमाम लोगों ने जिद्दोजहद की। और लेकिन साथ ही साथ मैं मानता हूं कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए जिद्दोजहद सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला भी काबिले मुबारकबाद है, और मैं समझता हूं सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए हाईकोर्ट तक जाने वाला भी काबिले मुबारकबाद है, और मैं समझता हूं कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए असेंबली में आवाज उठाने वाले भी काबिले मुबारकबाद है, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले भी काबिले मुबारकबाद है। लेकिन आप की नजरों में आज उन लोगों की अहमियत बन गई जो लोग सिर्फ फेसबुक पर एक वीडियो बना के डालते हैं, आपकी नजर में उन लोगों की अहमियत नहीं है जो अपनी जात के 13-14 लाख रुपए लगा के जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हैं, कोविड के दौरान जो लोग पिटीशन डालते हैं उनकी अहमियत नहीं है। खैर, हमको उसकी अहमियत की परवाह भी नहीं है, क्योंकि हमने अल्लाह के घर के लिए काम किया था, अल्लाह के घर की बाजियाबी के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला था। अब मैं आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं कि कई दिन से मैं जनाब मुश्ताक मलिक साहब की बात कर रहा हूं। मुश्ताक मलिक साहब ने 6 महीने तक हर अपनी वीडियो में, हर अपनी प्रेस मीट में बार बार ये बात कहते रहे कि हमारी मस्जिदों के अंदर कुरान मजीद उठाने का हमको मौका नहीं दिया, हमको जानिमाज उठाने का मौका नहीं दिया, हमारी कुरान मजीद के साथ बेतहरमती की गई। और इस बहाने पर, इस बात पर हैदराबाद के उलमाओं को ब्रांडेड उलमा के नाम से पुकारते रहे। लेकिन परसों जब बीआर के भवन में मुश्ताक मलिक साहब को बीआर के भवन बुलाया गया, होम मिनिस्टर साहब के पास जब उनको बिठाया गया, मुश्ताक मलिक साहब 6 महीने तक आपने इस उनवान को चलाते रहा कि वहां पर कुरान मजीद के साथ बेतहरमती हुई, और उस पर आप जब आप बीआर के भवन गए तो फिर आप क्यों नहीं होम मिनिस्टर के सामने ठहर के सवाल करें? आप 6 महीने तक हर वीडियो में यह सवाल करें कि वहां पर कुरान थी हमको उठाने का मौका नहीं दिया, वहां जानिमाज थी हमको उठाने का मौका नहीं दिया, तो आप उस पर ब्रांडेड उलमाए बल्कि तनखीद करते थे, और आप आज उनसे सवाल नहीं करते जाके जब आपको मौका मिला तो आपने क्यों नहीं पूछा कि वहां पर कुरान मजीद थी उठाने का मौका क्यों नहीं दिया, वहां पर जानिमाज थी उठाने का मौका क्यों नहीं दिया? इस पर आप सवाल नहीं करते? आपने तब अपने अल्फाज में कहा था, उलमाओं की जबानों को लखवा मारा था, जाके चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करे, लेकिन पूछे नहीं। मुश्ताक मलिक साहब, आज आपकी जबान को कौन सा लखवा मारा और जो आप जाके वहां पर उनसे सवाल नहीं करे? और आपकी मुहिम संगे बुनियाद की थी नहीं, लेकिन आप बीआर के भवन से निकल के ऐलान कर रहे हैं कि संगे बुनियाद रखा जाए। आपने हर वीडियो में बात ही कि मेरा झगड़ा संगे बुनियाद का नहीं है, मेरा झगड़ा नमाज का है। बोले आपको जब मौका मिला, होम मिनिस्टर साहब जब आपको बुलाए, तो आप जाके क्यों होम मिनिस्टर को नहीं पूछे कुरान मजीद कहां है साहब, जानिमाज कहां है, और मैं आया सोते को दो रकात नमाज पढ़ लेकर जाता हूं, मेरे को दो रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दो वहां पर जाके, क्योंकि आपने क्यों सवाल नहीं किया? नहीं करते, वीडियोस में कहने वाली बातें अलग, लेकिन अमली तौर पर आपकी जबान को लखवा मारा होम मिनिस्टर के पास जाके आपने पूछे। मैं बड़ी आपका एहतराम करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं, मैंने बहुत सा वक्त आपके साथ गुजारा है, बहुत सी अच्छी चीजों में आपको देखा, लेकिन आज मुझे बड़ी अफसोस के साथ मैं आपकी वीडियो देखा। मैं देख के ये सोचा कि चीफ मिनिस्टर की तारीफ आप कर रहे हैं। 6 महीने तक तो आप चीफ मिनिस्टर को गालियां देते रहे, 6 महीने तक आप उलमाओं की हर बात को तनकीद करते रहे, 6 महीने तक आप ये बोलते रहे कि उलमाओं की जबानों को लखवा मारा, जानिमाज कुरान का सवाल नहीं करे, लेकिन आप जाके वहां सवाल क्यों नहीं करे? आप क्यों नहीं पूछे? आप जमात के बारे में बोल रहे हैं कि 6 महीने का डिब्रीज पड़ा हुआ है, डिब्रीज के आज पड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि नमाज इसलिए नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि डिब्रीज है वहां पर, डिब्रीज यानी मट्टी टूटी हुई, वो डिब्रीज 6 महीने से है मुश्ताक मलिक साहब, फिर आप क्यों इस बात की मुहिम चलाते रहे फिर गैर जरूरी कि आप आवाम को जानिमाज के नाम से? लेकिन आज आपको जब मौका मिला बीआर के भवन जाके आपने सवाल नहीं किया। बड़ी अफसोस हुआ मुझे आपका यह बयान देखकर। और मैं काबिले मुबारकबाद है अकबरुद्दीन अवैसी साहब, जो असेंबली के अंदर ठहर के डो टोक अंदाज में जो आपने अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुतालबा किया सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए, काबिले मुबारकबाद है अकबरुद्दीन अवैसी साहब, काबिले मुबारकबाद है असदुद्दीन अवैसी साहब, जिन्होंने पूरे उलमाओं को हैदराबाद के लेके जाके चीफ मिनिस्टर के सामने धरा। अकबरुद्दीन अवैसी साहब बोलने के बाद
केसीआर को असेंबली के अंदर उठ के बोलने पर मजबूर करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उलमाओं को लेकर जाके चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके उलमाओं को लेकर जाके बयान देने पर चीफ मिनिस्टर को मजबूर करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। सुप्रीम कोर्ट तक ये सेक्रेटरी की मस्जिद के मुतालिक जाने वाला ये खादिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हाई कोर्ट तक जाने वाला ये खादिम ख्वाजा बिलाल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अरे अफसोस की बात है। खैर आप लोग फेसबुक बनाकर पर एक वीडियो बना के अगर अपने आप को अगर शोहरत दिलाने के लिए अगर वीडियोस बनाते हैं, आप लोग को अपने वीडियोस मुबारक। हम अपनी मस्जिद की जिद्दोजहद करते रहेंगे और आप चाहे एक महमूद अली या केसीआर के बयान से आप एक महीने की जिद्दोजहद बंद कर देंगे, लेकिन हम इस लड़ाई को, लीगल लड़ाई को खामोश नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई को उस दिन तक हम लड़ते रहेंगे जिस दिन तक वहां पर मस्जिद मुकम्मल तामीर नहीं होती। आप शायद संगे बुनियाद के लिए खामोश बैठ जाएंगे, लेकिन हम मस्जिद के लिए जब तक मस्जिद मुकम्मल तामीर नहीं हो जाती उस दिन तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। बल्कि वहां पर 5 वक्त की नमाज जिस दिन तक वहां पर शुरू नहीं होती है उस दिन तक हम कोर्टों में मस्जिद के मुताबिक लड़ते रहेंगे।